हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से। और टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले फ्यूचर रिटेल लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिलाएगा। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान देते हैं तो इस स्टॉक में ऑलमोस्ट एक सप्ताह के अंदर इस स्टॉक में 4% की गिरावट देखने को मिली है, परंतु एक महीने के अंदर इस स्टॉक में 18% की तेजी देखने को मिल रही है। 3 महीने में 16%, परंतु 6 महीने में देखें तो 1.5% की गिरावट देखने को मिली है और 1 साल के अंदर इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 33% की करीबन की गिरावट देखने को मिली है। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में एक नेगेटिव ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है, परंतु 3 महीने के अंदर इस स्टॉक के निचले लेवल पर स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिला। लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा, जहां पर स्टॉक के निचले लेवल पर अब एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। स्टॉक का नीचे के एक लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया 2.10 रुपीज। 2.10 रुपीज के इस पॉइंट पर स्टॉक में एक लोअर सर्किट लगा और यहीं से स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। स्टॉक का एक हाई बनता हुआ नजर आया अराउंड 3.95 रुपीज। 3.95 रुपीज के इस स्टॉक में एक हाई बना, ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक मुनाफा वसूली देखने को मिली है। स्टॉक का नीचे की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 3.40 रुपीज। 3.40 रुपीज से स्टॉक में नीचे के एक सपोर्ट लेवल है। जब तक ये स्टॉक इससे ऊपर रहता है, इस स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 3.40 रुपीज के एक स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 4.20 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।